जय हिंद बच्चों वेलकम टू तो भारत क्लासेस तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे जे इतिहास हमारा गौरव के पाठ नौ ग्रामीण एवं शहरी जीवन के प्रश्न उत्तर तो पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहा दे रखा है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग वर्ष पहले हुआ तो खाली स्थान में हम लोग बढ़ेंगे एक ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग लगभग एक ईसा पूर्व पहले हुआ खा दे रखा है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था तो इसमें हम लोग भरेंगे कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वे लल्ला कहा जाता था वे लल्ला ठीक है अवशेष की खुदाई द्वारा दिल्ली में मिला है तो वलय कूप दिल्ली में क्या मिला है वलय कूप मिला है रोपड़ बसा है रोपड़ कहाँ बसा है तो रोपड़ वर्तमान पंजाब में बसा है अंगा है अरिका मेड़ू प्राचीन था तो अरिका मेडू प्राचीन बंदरगाह था जो पुदुचेरी से तीन किलोमीटर की दूरी में था और यह ऐतिहासिक स्थल भी था चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्या दो तो संख्या दो दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए का है ग्राम भोजक किसे कहते हैं तो इसे आराम से हम लोग देखते हैं पहला देखते हैं तो पहला है कि उत्तर भारत में गाँवों में उत्तर भारत में गांवों में जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होता था वह गांव का प्रधान कहलाता था और उसे ही ग्राम भोजक कहते थे जिसके पास ज़्यादा जमीन है वही ग्राम का प्रधान भी कहलाता था और उसे ही हम लोग ग्राम भोजक कहते थे या उस समय कहते थे कहा है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है तो इसमें लिखेंगे कि संगम साहित्य तमिल भाषा में पाँचवीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के मध्य लिखा गया एक साहित्य है ठीक है उसे ही संगम साहित मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है तो मथुरा आप सभी जानते हो कि श्री कृष्ण ने यहीं पे जन्म लिया था तो इसमें हम लोग लिखेंगे मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है यहाँ बहुत सी सुंदर मूर्तियां बनती थी इस नगर में लोहार बुनकर टोकरी बनाने वाले लोग भी थे मथुरा के लोग दूर दूर जाकर व्यापार करते थे मथुरा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था इसे नोट कर लो लिखते हैं संख्या घा तो संख्या घा कहता है का के साथ व्यापारिक संबंध था या कैसे पता चलता है इसमें लिखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1945 सौ ईस्वी में यहाँ के कुछ स्थानों में उत्खनन किया था जहाँ से रोमन ग्लास रोमन लैंप इत्यादि का सामान प्राप्त हुआ है यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तन माला के दानों कांच एवं पकी हुई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो हमें बतलाता है कि अरिका मेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था प्रसंख्या अंगा तो प्रसंख्या अंगा कहता है कि बेरी गाजा किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि बेरी गाजा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक बंदरगाह था इसे भड़ोच के नाम से भी जाना जाता था यहाँ से तांबा मदिरा मुंगा, मुखराज सिलाजीत कांच सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था यहाँ से मसाले हीरे नीलम रत्न एवं कछुओं की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था तो यह था अंगा ग्रामीण एवं ग्रामीण एवं शहरी जीवन के प्रश्न दर्शन आप थोड़े आइए चर्चा करें आप लोग बोलिएगा तो उसे भी करवा दूंगा लेकिन हंड्रेड कमेंट आप सभी को करना होगा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद